आज हम बात करेंगे एक और सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट की, जिसका नाम है यंग बंगाल मूवमेंट और हेनरी डेरेजियो मूवमेंट। अब इस मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई? ये मूवमेंट जो है 1820 के आखिर में, लेट 1820 और 1830 के अर्ली में स्टार्ट हुआ, शुरुआत में। ये इंटेलेक्चुअल इसको मूवमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये बंगाल में ये यंग बंगाल के नाम से इसलिए रखा गया क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स ने ये मूवमेंट जो है स्टार्ट करवाया था, और स्टूडेंट्स के इस मूवमेंट से जो है इसका नाम यंग बंगाल मूवमेंट रखा गया। अब इसी यंग बंगाल मूवमेंट के बाद जो सबसे फेमस मूवमेंट था वो था एंग्लो इंडियन मूवमेंट, जिसका नाम था हेनरी डेरोजियो मूवमेंट। हेनरी डेरोजियो मूवमेंट जो है ये हिंदू कॉलेज में से इसका ओरिजिन हुआ है, क्योंकि हेनरी डेरोजियो जो थे ये हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे, और ये बात है 1826 से लेकर 1831 के बीच में, जब उन्होंने ये ट्रेंड स्टार्ट किया और वो हेनरी डेरोजियो मूवमेंट के लीडर बने। डेरोजियो जो थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी इंस्पायर थे, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उस टाइम जब हुआ था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसमें सारे लोग यूनाइट हुए थे और अपनी कंट्री की डिमांड कर रहे थे, तो इस आइडिया को लेके हेनरी डेरोजियो जो थे वो काफ़ी इंस्पायर हुए, तो इसलिए उन्होंने हेनरी डेरोजियो मूवमेंट की शुरुआत की। अब हम बात करेंगे कि उन्होंने हमेशा शुरू से ही एक चीज सिखाई लोगों को कि अथॉरिटी से हमेशा हमेशा हमें सवाल करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी यही कॉन्सेप्ट था कि हमें हमेशा अथॉरिटी से सवाल करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम किंग रूल होता था, तो फ्रांस में जो लोग थे वो हमेशा किंग से डरते थे। तो बाद में जब वो रेवोल्यूशन एक स्टार्ट हुआ तो उनको एक आइडिया आया कि हमेशा हमें सवाल करना है, तो यही चीज़ सेम हेनरी डेरोजियो ने भी कहा कि हमेशा हमें अथॉरिटी से सवाल करना चाहिए और हमेशा उनके खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए। हमें हमेशा सोशल वेलफेयर के काम करने चाहिए, जैसे एजुकेशन देना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस जो है देनी चाहिए, कराना चाहिए, अवेयर कराना चाहिए लोगों को। तो ये हेनरी डेरोजियो ने अपने मूवमेंट में सभी को सिखाने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ कि डेरोजियो को हिंदू कॉलेज से हटा दिया गया, क्योंकि वो अपने बिहेवियर में काफ़ी एक ही तरफ का बिहेवियर था, जैसे वो हर फील्ड को वो कवर नहीं कर पाते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो पीजेंट्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, उनके टाइम में पीजेंट्स को भी काफ़ी अत्याचार किया जा रहा था, तो वो पीजेंट्स के लिए कोई सवाल नहीं करते थे। दूसरा, वो गरीब लोगों के लिए कोई बात नहीं करते थे, तो इसलिए उनका ऐसा बिहेवियर देख के हिंदू कॉलेज ने उनको हटा दिया। और लेकिन डेरोजियो ने अपना काम नहीं रोका, उन्होंने राजा राम मोहन रॉय का आइडियाज भी एक्सेप्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी जो है काम करने की कोशिश की। लेकिन दुख की बात यह है कि हेनरी डेरोजियो का जो मूवमेंट था वो उतना फेमस नहीं हो सका, क्योंकि उनका बिहेवियर सिर्फ मैंने बताया एक ही तरफ था, हर जगह नहीं था, हर फील्ड में नहीं था, तो वहाँ से लोगों का आना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से एक ही फील्ड से लोग आ रहे थे, और वो था स्टूडेंट से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, बस इधर से ही जो था। और उस टाइम यूनिवर्सिटीज कॉलेज इस्टेब्लिश भी कम ही थे, जिसकी वजह से वहाँ से जो स्टूडेंट्स आते थे वो कम पड़ जाते थे, और ये वाइड नहीं हुआ, स्प्रेड नहीं हुआ पूरे कंट्री में, जिसकी वजह से इनका मूवमेंट जो था उतना फेमस नहीं हो पाया। अब हम बात करेंगे कि किसी ने इनको इनकी काम की तारीफ भी की, और वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो एक रिफॉर्मर थे, और उन्होंने कहा कि जो डेरोजियो है उन्होंने ही इस मॉडर्न सिविलाइजेशन की शुरुआत की और वो मॉडर्न सिविलाइजेशन के पाइने रह चुके हैं। तो डेरोजियो को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सराहा भी उनके काम को, क्योंकि डेरोजियो ने ही एक ऐसा ट्रेंड लाया था जिसकी वजह से यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना हुई, स्टार्ट हुआ, और जिसमें सबसे फेमस मूवमेंट था हेनरी डेरोजियो मूवमेंट का। अब मैं आगे ऐसे ही सोशियो कल्चरल रिफॉर्म के बारे में लाऊंगा। ये टॉपिक थोड़ा छोटा था, लेकिन अगर आपको पसंद आया हो तो हमारा वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन भी दबाइए ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।